दोस्तों, जिंदगी अवसरों से भरी है, परंतु हम में से जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं वो आगे जाते हैं, और जो अवसरों का सही इस्तेमाल नहीं करते वो सिर्फ पछताते रहते हैं। अवसरों को पहचानना एक कला है। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप अवसरों के महत्व को समझ सकेंगे। एक बार की बात है, एक आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी चल रही थी। वहां पर कई पेंटिंग्स देखने वालों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, लेकिन वहां एक पेंटिंग ऐसी भी थी जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। इस पेंटिंग में एक ऐसी आकृति बनी थी जिसका सर आगे बालों से ढका था, परंतु यह सर के पिछले हिस्से से गंजा या बाल था। इसके पैरों में पंख बने थे। कई दर्शक इस पेंटिंग से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने चित्रकार से पूछ ही लिया, आपकी ये पेंटिंग में ये किसका चित्र है? चित्रकार ने जवाब दिया, ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी का चित्र है। तब दर्शकों ने पूछा, आप ये कैसे जानते हैं कि अवसर, ये अपॉर्चुनिटी ऐसा ही दिखाई देता है? उस चित्रकार ने जवाब दिया, केवल मैं ही नहीं, आप में से बहुत से लोग ये जानते हैं कि यही अवसर का चेहरा है। तब एक दर्शक ने पूछा, इसका चेहरा ढका हुआ क्यों है? चित्रकार ने कहा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अवसर को उस समय पहचान नहीं पाते जब वो हमारे सामने खड़ा होता है। तब दूसरे दर्शक ने पूछा, तुम्हारे चित्र में अवसर के पैरों में पंख क्यों बने हैं? इसका क्या मतलब है भाई? चित्रकार ने जवाब दिया, पैरों में लगे पंख ये बताते हैं कि अवसर बहुत गतिशील होते हैं और बहुत कम समय में ये गायब हो जाते हैं। अगर आप सही समय पर अवसर को पहचान कर उसे पकड़ नहीं पाए तो वह आपके दरवाजे से चला जाएगा। वहां उत्सुकता और बढ़ गई। अब तीसरे दर्शक ने बहुत व्याकुल होकर पूछा, ये बताओ, अवसर के सिर के पिछले हिस्से में यह गंजा क्यों है? ये सुनकर चित्रकार मुस्कुराया और उत्तर दिया, एक बार जब अवसर उड़ जाता है तो उसे पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता, उसके बाल सामने हैं और आप अवसर को केवल सामने से ही पकड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, परंतु एक बार ये अवसर निकल गया तो दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा, ये फिसल जाएगा। वहां पर मौजूद सभी लोग चित्रकार के जवाब से संतुष्ट थे। वास्तव में चित्रकार ने पेंटिंग के माध्यम से जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाया। दोस्तों, जिंदगी हम सभी को अवसर देती है, लेकिन कुछ लोग जो जागरूक होते हैं, मेहनती होते हैं, इस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने आलस और टाल मटोल की आदत का शिकार हो अवसर को हाथ से जाने देते हैं और बाद में पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं। आज आपके पास मौका है, ये वक्त है मेहनत से पढ़ाई कर इस अवसर का भरपूर लाभ उठाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का। परंतु कई लोग मौज मस्ती में डूबकर आलस्य कर इस सुनहरे अवसर को खो बैठेंगे और जिंदगी भर पछताते रहेंगे। जो विजेता है वो न सिर्फ अवसरों को पहचानेगा, साथ ही उसे पाने के लिए जीतोड़ मेहनत करेगा। याद रखिए, प्रयास करने वालों से जो कुछ भी बच जाता है, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है।